आयकर विभाग ने अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ कथित कर चोरी की जांच का दायरा बढ़ा दिया है और शुक्रवार को मुंबई, नागपुर और जयपुर में उनके कई परिसरों पर छापेमार कार्यवाही की गई। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। विभाग ने बुधवार को 48 वर्षीय अभिनेता और उनसे जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि तलाशी अब मुंबई, नागपुर और जयपुर के साथ ही अन्य स्थानों पर भी की जा रही है। मुंबई और लखनऊ में कम से कम आधा दर्जन स्थानों पर बुधवार को कार्यवाही की गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सूद से जुड़ा एक रियल एस्टेट सौदा और कुछ अन्य वित्तीय लेनदेन विभाग की जांच के दायरे में है। अभिनेता ने पिछले साल कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचने में मदद कर सुर्खियां बटोरी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी की सरकार के देश का मेंटर कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर होंगे, जिसके तहत छात्रों को अपने करियर के विकल्प के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि भारत के उन लाखों परिवारों की प्रार्थनाएं सोनू सूद के साथ हैं, जिन्हें मुश्किल समय में उनका साथ मिला।